ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जो कर लिया है, अगर वहां पर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना। हम लोगों ने क्या-क्या किया है। नंबर 1, पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसमें कोई डाउट है बेटा? हाँ ओके। नंबर 2, एकोमोडेशन और पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, एनी डाउट? तीसरा चीज, मेजोरिटेरियन मेजर्स इन श्रीलंका, इसमें कोई डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सिंपल आगे बढ़ते हैं सीधा। अब हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि हमने तो ये तो देख लिया कि भाई बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया तो सिविल वॉर वाला सिचुएशन खत्म हो गया। हमने ये भी देख लिया कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया तो वहां पर सिविल वॉर हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये क्वेश्चन उठता है। तो बेटा जब ये क्वेश्चन उठता है तो इसके पीछे दो कारण है। पहला है मोरल रीजंस और दूसरा है प्रूडेंशियल रीजंस। मोरल रीजंस एंड प्रूडेंशियल रीजंस। अब मोरल रीजंस क्या होगा? मोरल रीजन का मतलब हो गया कि बेटा मोरालिटी, समथिंग विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट और समथिंग विच आई थिंक शुड बी डन, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई कानून नहीं होता, ये इंसान के मोरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये मोरल रीजंस। और प्रूडेंशियल्स जो होता है वो होता है जिसके पीछे कोई लॉजिक है, समथिंग लॉजिकल, दैट इज प्रूडेंशियल। तो मोरल रीजंस में हम पढ़ रहे हैं दो रीजंस, मोरल में दो रीजंस। पहला रीजन है, इट इज दी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है पावर शेयरिंग के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में बोला गया है, डेमोक्रेसी का मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, दैट मींस द गवर्नमेंट विच इज वर्किंग फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट वेयर पीपल आर डिसाइडिंग देमसेल्व्स, गवर्नमेंट वेयर पीपल आर डिसाइडिंग देमसेल्व्स, दैट इज डेमोक्रेसी। तो पावर शेयरिंग, जब तक आप लोगों को ये अधिकार नहीं दोगे कि तुम डिसाइड करो, जब तक आप लोगों को ये पावर शेयर नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को पावर ही नहीं दोगे, तब तक लोग अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। और जिस देश में लोग अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते वो डेमोक्रेसी कैसे होगा, वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये बोला गया कि पहला कारण कि भाई पावर शेयरिंग जो है उसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, इसीलिए पावर शेयरिंग होना चाहिए। और दूसरा कारण है, पीपल हैव द राइट टू बी आस्क्ड हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड,
मतलब लोगों के पास ये अधिकार है कि उससे पूछा जाए कि उनके ऊपर कैसे गवर्न किया जाए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जनरली हम लोग जो हम सिटीजन्स होते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, इलेक्शन आया, मैंने वोट दे दिया, एक जीत गया वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, जो जीत गया मेरा रिप्रेजेंटेटिव, अब जो करेगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव करेगा। और रिप्रेजेंटेटिव भी क्या सोचता है, अब तो मैं जीत गया, अब तो मैं नेता बन गया, अब तो मैं जाके मैं लेजिस्लेचर में ही करूंगा, मैं अपने आप कानून बना दूंगा। ये गलत है, होना ये चाहिए कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंटेटिव वापस हमारे पास है, जीतने के बाद वो वापस हमारे पास आए, हमसे बोले आप लोगों ने मुझे जिताया है, अब मेरे पास ये पावर्स है, अब आप लोग बोलिए कि मैं आपके लिए क्या क्या करूं, पहले क्या करूं फिर क्या करूं, वो हमसे पूछे, फिर हम जो बताएं उसके हिसाब से वो काम करे। हालांकि ये कानून ही नहीं है, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव एक बार जीतने के बाद वो दोबारा लोगों से आके पूछेगा, दोबारा आकर लोगों से पूछेगा, ऐसा नहीं है कानून। लेकिन मोरालिटी होता है ना कि भाई दिल में होता है ना यार, इन्होंने मुझे जिताया, मैं इनके पास जाऊं, मैं इनसे पूछूं, मैं इनसे बात करूं, ये तो होना चाहिए। तो जब एक रिप्रेजेंटेटिव जाकर लोगों से पूछेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों से डिस्कशन करेगा और फिर उसके हिसाब से काम करेगा, मतलब क्या है, आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये मोरल रीजंस है लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कि भाई लोगों से पूछो, तो ये पावर शेयरिंग का मोरल रीजन आ गया। ये दो मोरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस, प्रूडेंशियल रीजन में पहला है, इट रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट। पावर शेयरिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये कंफ्लिक्ट को दूर करता है, झगड़े को खत्म करता है। बेल्जियम में यही तो हुआ, बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया तभी तो फ्रेंच और डच के बीच का झगड़ा खत्म हुआ। श्रीलंका में तमिल को पावर नहीं दिया, पावर शेयरिंग नहीं किया तभी तो वहां पर सिविल वॉर हुआ। मतलब जहां पर पावर शेयरिंग करेंगे वहां पर कंफ्लिक्ट्स नहीं होगा, जहां पर पावर शेयरिंग करेंगे वहां पर कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ये प्रूडेंशियल रीजन, और इसके पीछे लॉजिक है और इसके पीछे प्रूफ भी है आपको बेल्जियम का। अगला चीज बोला जाता है, इट एंश्योर्स, इट का मतलब पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब देखो सिंपल सा चीज बताओ आप लोग मुझे कि अगर एक देश है, उस देश में बहुत झगड़ा है, दंगे हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं, तो क्या वहां पर गवर्नमेंट अपने पूरा टर्म पूरा कर सकेगी, या गवर्नमेंट बार बार बदलेगा या नहीं बदलेगा, बताओ। बार बार, यस, बार बार बदलता जाएगा क्योंकि वहां पर दंगे फसाद है, लोग नाराज है, एक गवर्नमेंट रिजाइन कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट आ रहा है, नतीजा क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ने जो काम किया दूसरा गवर्नमेंट आएगा बोलेगा ये सही नहीं है इसको बंद करो, वो दूसरा अपना काम शुरू कर देगा, फिर तीसरा गवर्नमेंट आएगा फिर वो अपना काम शुरू कर देगा। ऐसा ही तो वेमर रिपब्लिक में हुआ था, आप लोगों ने जो पढ़ा था नाजीजम में, वेमर रिपब्लिक में स्टेबिलिटी नहीं था, प्रेसिडेंट बार बार गवर्नमेंट को हटा देता था और वो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाता था, लोग नाराज हो गए थे। आपको तो जो पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग से क्या होता है कि देश में कंफ्लिक्ट खत्म हो जाता है, वो देश शांति के साथ रहता है, पीसफुल होता है। तो ऐसे देशों में जो गवर्नमेंट बनता है वो गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म पूरा करती है, जैसे कि इंडिया में 5 साल का टर्म है, गवर्नमेंट ने 5 साल का टर्म पूरा कर दिया, बात खत्म, स्टेबिलिटी आ गई।
और जहां पर स्टेबिलिटी आती है वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो इसी वजह से पावर शेयरिंग को होना चाहिए। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आपको आता है, इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, तो आपको लिखना है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस। मोरल रीजंस नंबर वन, नंबर टू। प्रूडेंशियल रीजंस नंबर वन, नंबर टू, ये चार नंबर। अगर आपको पांच नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर आप शुरुआत में पावर शेयरिंग का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरूर लिखना, तो आपको पांच नंबर मिलेंगे। समझ में आया? हाँ भाई, बाकी सब सबका सबका भाई सबका जवाब। आदित्य, आदित्य तो लेट आए थे। आदित्य, ये मोरल रीजन तो आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, मोरल रीजन में लिखा है सबसे पहला, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि पावर शेयरिंग के बगैर डेमोक्रेसी नहीं रह सकता। पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है कि जहां पर लोग अपना गवर्नमेंट चलाएंगे, अपने लिए खुद डिसीजन लेंगे, वो डेमोक्रेसी होता है। और जब तक आप लोगों को पावर ही नहीं दोगे तो वो अपने लिए क्या डिसाइड करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मतलब डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पावर शेयरिंग। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट बोलता है पीपल हैव द राइट टू बी आस्क्ड हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब जीत के जाने के बाद राजा मत बन जाओ, लोगों के पास जाओ, लोगों से बातें करो, लोगों से पूछो क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर उसके हिसाब से काम करो। लोगों को ये अधिकार होता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आए, उससे बात करे। गवर्नमेंट लोगों के पास जाना चाहिए, गवर्नमेंट को। तो इसी को बोला जाता है पीपल हैव द राइट टू बी आस्क्ड हाउ दे आर टू बी गवर्न। आ गया समझ में? अब क्लियर है सभी को? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। पलक, राज, भूमि, रिद्धि, ओके। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में, आखिरी हिस्से में, लेकिन वो हिस्सा थोड़ा लंबा है, फिर भी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के तरीके, पावर शेयरिंग के तरीके। अब ये पावर शेयरिंग के क्या क्या तरीके, देखो बेटा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहला बोला गया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसका दूसरा नाम भी है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका तीसरा भी नाम है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये तीन नाम है। अब ये होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं। यस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? यस, लेजिस्लेचर मेक लॉज, कानून बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? यस, इंप्लीमेंट द लॉ।
और जुडिशरी क्या देखता है कि वो लॉ, यस, वो उसकी वैलिडिटी को चेक करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। मतलब देखो तीनों की अलग अलग काम है। अब एक चीज बताओ, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स बनने के लिए, वो उसका कहां पर मेजोरिटी होना चाहिए? लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होगा, जिसका पार्लियामेंट में मेजोरिटी होगा उसी का तो गवर्नमेंट बनेगा, यस और नो? हाँ मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कौन करता है? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, और जुडिशरी को अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। अब लेजिस्लेचर अगर कोई गैर कानूनी काम करता है या एग्जीक्यूटिव कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसको कौन पनिशमेंट देगा? जुडिशरी पनिशमेंट देगा इन दोनों को। मतलब देखो बेटा, एग्जीक्यूटिव ने जिसको अपॉइंट किया, मतलब मैंने तुमको नौकरी पे रखा, तुम ही मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, ये सिचुएशन आ गया। अब अगर जुडिशरी गड़बड़ करेगा तो जुडिशरी को कौन निकालेगा? जुडिशरी को कौन निकाल सकता है? नहीं, जुडिशरी को एक ही तरीका है निकालने का, लेजिस्लेचर में इंपीचमेंट के जरिए। इंपीचमेंट के जरिए निकाला जा सकता है जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव नहीं निकाल सकता। अब बताओ, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कौन ज्यादा पावरफुल है? कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तीनों तो एक दूसरे के बराबर है। कौन पावरफुल है? कोई भी नहीं है। जुडिशरी गड़बड़ करेगा, लेजिस्लेचर पनिश कर देगा। एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करेगा, जुडिशरी पनिश कर देगा। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी उसकी वैलिडिटी को देखेगा। मतलब यहां पर हम किसी से कम नहीं वाला सिचुएशन है। अगर लेजिस्लेचर कोई ज्यादा काम करेगा तो जुडिशरी बोलेगा ये तू नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव कुछ ज्यादा करेगा तो लेजिस्लेचर बोलेगा व्हाई यू आर डूइंग दिस, जुडिशरी भी बोलेगा व्हाई यू आर डूइंग दिस। जुडिशरी कुछ गड़बड़ करेगा तो लेजिस्लेचर बोलेगा हम तुमको निकाल देंगे। यहां पर तो तीनों बराबर है, तीनों एक ही लेवल पे रहे, वन लेवल। कोई भी एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब तीनों एक ही लेवल पर है, मतलब हॉराइजेंटल पावर शेयरिंग। हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल का मतलब ऐसे, हॉराइजेंटल पावर शेयरिंग। और यहां पर पावर शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है? डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे के पावर को चेक कर रहे हैं और एक दूसरे के पावर को बैलेंस कर रहे हैं कि कोई ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। इसी के लिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। समझ में आ गया? इसको प्रेजेंट कैसे करना है? एक बार इसको आप एनसीईआरटी में रीडिंग करो, एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है? वैसे मैं भी नोट्स दूंगा, लेकिन नोट्स देने से पहले आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, है क्या चीज?
इसको जब आप समझाएंगे ना, तो इसको आपको समझाते वक्त आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और तीनों इक्वली पावरफुल होते हैं, तीनों एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं ताकि कोई भी जिससे एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और फिर उसके बाद से आप एक एग्जाम्पल देकर इसको प्रूव करें। समझ गए? अब बोलो बेटा, यस क्लियर है ये? आदित्य, पलक, सब लोगों का जवाब आ जाए बेटा, सब लोग, तब तो मजा आएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, सेकेंड। उसको कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसका दूसरा नाम है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसका तीसरा नाम है पावर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके, तो अब ये जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये सब लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? अपने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है ताकि स्टेट अपने डिसीजंस खुद ले सके। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? अपने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देता है ताकि लोकल गवर्नमेंट अपने इलाके का खुद डेवलपमेंट कर सके। तो यहां पर पावर सबसे ऊपर लेवल के गवर्नमेंट से सबसे नीचे लेवल के गवर्नमेंट तक पावर शेयर हो रहा है, मतलब पावर शेयर हो रहा है वर्टिकली ऊपर से नीचे तक, तो हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। यहां पर पावर शेयर हो रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें थ्री लेवल्स में पावर शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्यों बोला गया? देखो बेटा, फेडरल मतलब फेडरेशन। फेडरेशन हम किसे कहते हैं? फेडरेशन उसे कहते हैं जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को देता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ पावर शेयर करता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर जितना भी लोकल गवर्नमेंट है, फिर वो उन सारे लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर देता है। मतलब पावर जो होता है, यस आई एम रिकॉर्डिंग बेटा, मतलब पावर जो होता है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचता है। सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को दे दिया, यहां तक पूरा पावर शेयर कर दिया। तो ऐसे जहां पर भी पावर शेयर कर होता है, जिस देश में भी, हम उस देश को फेडरल कंट्री बोलते हैं। इंडिया में ऐसे ही पावर शेयर हुआ है, इसीलिए इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है। तो इस तरीके से जहां पर गवर्नमेंट के बीच में इस तरीके से जहां पर पावर शेयर होता हो उसको कहा जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये समझ में आया बेटा?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पलक, आपको क्या दिक्कत आ रही है बेटा? कौन सा समझ में नहीं आया बोलो बेटा, मैं वीडियो तो दे दूंगा लेकिन जो समझ में नहीं आया वो मैं समझा दूंगा, बोलो बेटा। पलक, अभी तक हमने देखो बेटा क्या क्या किया है। हमने किया है सबसे पहले व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अच्छा, ठीक है पलक, मैं भेज दूंगा, ठीक है मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये आप सब लोगों को ये वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ में आ गया बेटा? ओके, अब एक और तरीके का पावर शेयरिंग में जाते हैं। पावर शेयरिंग विथ सोशल ग्रुप्स, मतलब एक देश के अंदर एक ही सोशल ग्रुप तो नहीं है, एक देश के अंदर मेन होते हैं, वुमेन होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, एक देश के अंदर अलग अलग भाषा वाले लोग होते हैं, एक देश के अंदर अलग अलग धर्म वाले लोग होते हैं, एक देश के अंदर अलग अलग जाति वाले लोग होते हैं। जब आप ये सारे जो आपके सोशल कम्युनिटीज हैं, अलग अलग सोशल कम्युनिटीज, जब आप इन लोगों के साथ पावर शेयर करते हो, इनको कोई अधिकार देते हो, तो उसको कहा जाता है पावर शेयरिंग विथ सोशल ग्रुप्स। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल किया बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, फ्रेंच का अलग, डच का अलग और जर्मन का अलग। ये तीनों कौन है, ये तीनों बेल्जियम के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। इन तीनों का अलग अलग गवर्नमेंट बना दिया। फ्रेंच को बोला कि तुम अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने एजुकेशन का खुद ध्यान रखो। जर्मन को बोला कि तुम अपने लैंग्वेज कल्चर का खुद ध्यान रखो। जर्मन को भी यही, डच को भी यही बोला, जर्मन को भी यही बोला। तो यहां पर क्या हुआ, बेल्जियम के गवर्नमेंट ने उसके जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उनके साथ पावर शेयरिंग किया। अब इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में अगर आप देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, वहां पर 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व है। वुमेन इज वन डिफरेंट सोशल ग्रुप। आपने वुमेन के साथ पावर शेयर किया, वुमेन को बोला कि तुम डिसीजन लो, तुम भी लीडर बनो। उसी तरीके से आप इंडिया में ही देखेंगे, इंडिया में रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट है। आप लोगों ने क्लास 9th में किया कि जो इंडिया का पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स हैं। क्यों, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड है, वो लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो वो अपने प्रॉब्लम बोलेंगे, फिर सब लोग डिस्कशन करके उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे। मतलब आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को के साथ पावर शेयर किया, उनको बोला कि तुम हमारे बराबर हो, आओ तुम आकर हमारे साथ इस देश के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग जगह में आकर बैठो, तुम बोलो यहां पर आकर, यहीं से तुम्हारे लिए डिसीजन ले लिया जाएगा। मतलब आपने क्या किया, जो हमारा अलग अलग सोशल ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके साथ पावर शेयर किया। तो ये होता है पावर शेयरिंग विथ सोशल ग्रुप्स। और अगर एग्जाम्पल लो तो जैसे असम में, असम में एक ट्राइबल ग्रुप है बोडोज, बोडो। ये लोग चाहते थे कि इनको ये जिस इलाके में रहते हैं असम के, उस इलाके को अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया जाए। बहुत स्ट्रगल हुआ, बोडोलैंड इन लोगों ने बोला था, अलग स्टेट बना दो बोडोलैंड। बहुत स्ट्रगल हुआ,
उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको बुलाया, इनको बुलाकर इनसे बातचीत किया, फिर उसके बाद से इनको क्या बोडो डेवलपमेंट काउंसिल या कुछ ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और बोला कि तुम लोगों को हम पावर दे रहे हैं, तुम लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, तुम लोग अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करो। ये भी तो बोडो एक सोशल ग्रुप है, उसके साथ पावर शेयरिंग किया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर गवर्नमेंट ने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर किया है। सो दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग विथ सोशल ग्रुप्स। समझ में आ गया बेटा? एंड नाउ कम्स द लास्ट वन। लास्ट वन इज पावर शेयरिंग with political parties and movement groups. यह है लास्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आज के दिन में इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? जल्दी बोलो। Everyone is saying BJP, I disagree. आज के दिन में गवर्नमेंट है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी है, मेन पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी के साथ साथ और भी करीबन 20-20 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी बट अराउंड माइट बी अराउंड 20 पॉलिटिकल पार्टीज है। ये सारे पार्टीज के मिलाकर दे हैव सपोर्ट ऑफ अराउंड 315 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और ये लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। और इस गवर्नमेंट में सारे मिनिस्टर सिर्फ बीजेपी के नहीं है, इसमें मिनिस्टर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, दूसरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो उसी तरीके से जब बीजेपी से पहले गवर्नमेंट किसका था, आप लोग बोलोगे कांग्रेस का। कांग्रेस का नहीं था, यूपीए का था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें मेन पार्टी थी कांग्रेस, और उस कांग्रेस के साथ साथ अराउंड 20 पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, ये सब ने मिलकर गवर्नमेंट एक साथ चलाया था। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मिनिस्टर्स बने थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे गवर्नमेंट जो होता है, ऐसे गवर्नमेंट को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है गवर्नमेंट का जो पावर है देश को चलाने का, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांटते हैं, सब लोग मिलजुल कर चलाते हैं। तो क्या हुआ, पावर शेयरिंग विथ पॉलिटिकल पार्टीज हुआ या नहीं हुआ? यस, वेरी गुड। अब उसके बाद से आगे देखते हैं। अब इंडिया में जो है, ये बीजेपी के जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आखिरी आखिरी में एक मूवमेंट हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे का मूवमेंट था। इसमें क्या हुआ था, इन लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, जगह जगह प्रोसेशन निकाला, जगह जगह हंगर स्ट्राइक किया, ये सब काम किए। गवर्नमेंट ने पहले इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मूवमेंट जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको बुलाया डिस्कशन के लिए। इनके साथ डिस्कशन हुआ, बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद से इनका जो डिमांड था कि एक लोकपाल बना दिया जाए, ताकि जो भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट किया जा सके। उस वक्त के गवर्नमेंट ने इसे एग्री कर लिया और लोकपाल बनाने के लिए मंजूरी दे दी और कानून भी बना दिया। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने
ये जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसको बुलाकर बातचीत करके उसकी बात माननी, मतलब उसके साथ पावर शेयरिंग किया। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे और मूवमेंट में, जैसे कि एक और मूवमेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें भी क्या हुआ, ये लोग जो सरदार सरोवर डैम है वहां पर बनने की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो गांव को परेशानी हो रही है, जिस गांव में फ्लड का पानी आ जाता है, वो सारे गांव के लोग अपने डिमांड्स लेकर मूवमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बीच बीच में इनको बुला के इनसे बात करती है, इनके कुछ डिमांड्स को फुलफिल करती है। मतलब गवर्नमेंट अगेन इनके साथ क्या कर रहा है, पावर शेयरिंग कर रहा है। अभी का जैसे फार्मर्स का जो मूवमेंट चल रहा है, फार्मर्स मूवमेंट जो अभी चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ 6-7 राउंड का बातचीत हो चुका है। वो बातचीत में सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन जहां तक है कि इस इलेक्शन के बाद हो सकता है दोबारा बातचीत होगी इनके बीच में, फिर उसके बाद से हो सकता है कोई सोल्यूशन निकले। मतलब बातचीत करना, उनकी बातें सुनना, यू आर शेयरिंग पावर विथ देम। तो पावर शेयरिंग विथ मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये चीज होता है, प्रेशर ग्रुप्स, ये चीज होता है। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब हो गया जैसे कि बैंक इंप्लॉइज का यूनियन, या स्टूडेंट्स का यूनियन, ये सब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये लोग भी तो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोसेसर निकालते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि वो उनकी बातें सुने। अगेन यहां पर भी इनके साथ पावर शेयरिंग हो रहा है। तो पावर शेयरिंग विथ प्रोटेस्ट ग्रुप्स, मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये चीज होता है। समझ में आया बेटा? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अब बेटा अब ये समझ जाओ कि ये हो गया आपको पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म, ये पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब आपका काम क्या है, पावर शेयरिंग चैप्टर को 2-3 बार रीडिंग करना पूरा अच्छे से। फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, एक ही क्लास में ब्रीफ रिवीजन पूरा खत्म करेंगे एक साथ, एक ही क्लास में, ताकि आपको याद हो जाए चैप्टर। तो ध्यान रखना, अगले क्लास में जब आएंगे तो आप सब लोग 2-3 बार चैप्टर को रीडिंग करके आओ, और जब मैं रिवीजन करवा दूंगा तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है? अब बेटा नोट्स में बना रहा हूं, बेटा नोट्स में भेज दूंगा, बना रहा हूं। इस बार नया बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, उसमें डेटा उटा पुराना है, पुराना वाला नोट्स है, तो उसको मैं एडिटिंग कर रहा हूं, मैं भेज दूंगा। ठीक है? हाँ हाँ यस, मैं जितने भी चैप्टर करा रहा हूं सबका अप्रैल के एंड में टेस्ट होगा। और ये अप्रैल 30 का महीना है ना, तो 27, 28, 29, 30 ये तीनों दिन टेस्ट सीरीज होगा सारे सब्जेक्ट्स के। आप जो भी पढ़ रहे हो वो सारे के जितना पढ़ाया गया है उसके ऊपर टेस्ट होगा। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हर सब्जेक्ट का होगा बेटा, हर सब्जेक्ट का। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, तो देखते हैं, या तो मैं ज्योग्राफी, मैं तो हिस्ट्री सोच रहा था शुरू करूंगा, देखते हैं, या तो ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। ठीक है? अदिति प्रेजेंट, अनिंदिता, अदिति प्रेजेंट, अनिंदिता प्रेजेंट, 1 मिनट। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, सी यू, हैव अ गुड डे। यस यस बेटा, यस बेटा, बाय बेटा, बाय।